हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटीशियन पे। और मैं हूं रेखा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अंडरटोन क्या होता है, उसकी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल हम जानेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को अंडरटोन सुना है। एक होता है हमारा स्किन टोन जो ऊपर का होता है, तो और एक होता है अंडरटोन। तो अंडरटोन हमारा जो होता है वो तीन तरीके के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कूल, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है वार्म अंडरटोन। ठीक है, तो आज हम इसी तीनों पर बात करेंगे कि इसको कैसे पहचाने। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारी जो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अंडरटोन जानना क्यों ज़रूरी है। अंडरटोन इसलिए जानना ज़रूरी है कि अगर हमें पता होगा कि हमारा अंडरटोन क्या है, तो हम अपने अंडरटोन के हिसाब से अच्छा फाउंडेशन, अच्छा मेकअप सिलेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट ये जो है वार्म अंडरटोन के ऊपर जाएगा, या कूल अंडरटोन पे जाएगा, या न्यूट्रल अंडरटोन पे जाएगा। ठीक है, तो ये होता है कि पहला तो ये है कि हमें मेकअप हम अपना स्किन टोन के हिसाब से कर पाएंगे। तो ये इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें अपना अंडरटोन पता होना चाहिए। ठीक है, या दूसरों का अंडरटोन पता, हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि किसका क्या अंडरटोन है, उस हिसाब से काम करें। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि अगर आपको अपना अंडरटोन पता होगा, तो आप अपने अंडरटोन के हिसाब से कपड़े सही से सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन से अंडरटोन के ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है। तीसरी चीज़ ये है कि ज्वेलरी भी, अगर आपका अंडरटोन जो है आपको पता होगा, तो ज्वेलरी भी आप अपने अंडरटोन के हिसाब से अच्छा सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारी पता कैसे करें, यहाँ पे जो हमारी नसें होती हैं हाथ में, वहाँ से हम देखते हैं। आपको स्क्रीन पर हम शो करेंगे एक इमेज, उसके थ्रू आपको अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे हाथों में, तो यहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे जो है नसें जो होती हैं आप देखेंगे वो ग्रीन कलर की होंगी। ज़्यादातर इंडिया में जो आपको दिखेगा वो ग्रीन कलर ही दिखेगा। वार्म अंडरटोन इंडियन टोन जो होती है, अंडरटोन जो होता है वो वार्म अंडरटोन होता है या तो न्यूट्रल होता है, यही दो ज़्यादातर होते हैं। लगभग 70-80% इंडिया में जो लोग हैं वो जो है वो वार्म अंडरटोन होती है। 10-20% ऐसे लोग हैं जिनकी कूल अंडरटोन है। ठीक है, बाकी न्यूट्रल और वार्म अंडरटोन ही सभी की होती है। आप यहाँ की जो नसें होती हैं, वेंस जो होती हैं, उसको आप देखेंगी। यहाँ पे जो नसें होती हैं, ज़्यादातर लोग आपको यहाँ पे बोलते हैं, पर मेरी जो नसें हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखती हैं। यहाँ पे ही पता नहीं पूरी ग्रीन ग्रीन दिखता है, यहाँ पे ग्रीन और ऑलिव। ठीक है, ऑलिव मीन्स जैसे आपने जैतून का तेल नहीं देखा होगा आप सभी लोगों ने, कि पीलापन नहीं होता है, ऑलिव थोड़ा सा हल्का सा जो है मेहंदी कलर की साइड होता है, तो वो आप देखेंगी तो वो जो होता है ऑलिव होता है और उसमें ग्रीन ऐड होता है, तो वो क्या होता है, वार्म अंडरटोन होता है। जिसमें ग्रीन और ऑलिव होता है वो वार्म अंडरटोन होता है, जो कि मेरी स्किन टोन जो है वो वार्म है, पूरी तरीके से ग्रीन और ऑलिव सा है, तो मेरी स्किन टोन जो है वो पूरी तरीके से वार्म अंडरटोन की है। आपको इसमें भी दिख रहा होगा कि ये बहुत येलोनेस आपको दिखेगा, ऊपर से भी दिख रहा है मेरी स्किन। अगर कोई यहाँ से भी नहीं देखे, यहाँ से भी देखेंगे तो आप पूरी तरीके से जो है येलोनेस आपको दिखती है। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आपकी जो है यहाँ पे जो नसें हैं उसका कलर जो है वो अगर ग्रीन और जो है ऑलिव है, तो आपकी वार्म अंडरटोन है। अगर आपकी नसों में जो है ब्लू और ग्रीन है, न्यूट्रल अंडरटोन है, जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कई बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से जो है याद हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी वेंस जो है वो जो नसें हैं वो अगर ब्लू और पर्पल हैं, तब आपकी वो कूल अंडरटोन है। ठीक है, तब वो आपकी कूल अंडरटोन है। ठीक है, तो तीन तरीके का अंडरटोन होता है, कूल, न्यूट्रल और वार्म। ठीक है, तो ये तीनों अंडरटोन का आपको पता चल गया, स्क्रीन पर मैंने बहुत अच्छे से शो किया, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सबसे जो वेस्ट तरीका है वो यही होता है कि आप अपने नसों से चेक करिए, आपको खूब ग्रीन ग्रीन सा दिखेगा, ऑलिव सा दिखेगा, तो आप समझ लीजिए कि आपकी अंडरटोन जो है वो वार्म अंडरटोन है। और अगर आप देखती हैं कि ग्रीन और ब्लू भी है, उसमें ब्लू भी मिक्स है, या कि आपको कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, ब्लू नहीं है, पर्पल नहीं है, लेकिन ग्रीन के साथ कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी स्किन टोन जो है अंडर स्किन टोन वो न्यूट्रल है। और अगर आपकी आप देखेंगे कि ब्लू, आपको ब्लू क्लियर दिखेगा, अगर आपकी कूल अंडरटोन है तो आपको ब्लू और पर्पल बहुत साफ दिखता है, और अगर आपकी न्यूट्रल है तो आपको कुछ क्लियर नहीं दिखता है, ग्रीननेस भी बहुत कम दिखेगा और ब्लूनेस भी कम दिखेगा, तो आप समझ लीजिए कि आपकी न्यूट्रल है। ठीक है, और इसका और एक आसान तरीका हम बताएंगे, सुप्रा की जो पैलेट है उसमें 29 जो है वो न्यूट्रल कलर होता है, और जो उसमें 38 कलर नंबर है सुप्रा की पैलेट में वो वार्म अंडरटोन का शेड है। उसको आप देख के देखेंगे तो आपको थोड़ा सा जो है
जो 29 है वो थोड़ा सा पिच की साइड है हल्का सा, लेकिन जो आपका 38 है वो आपका बिल्कुल वार्म अंडरटोन की साइड में है। उसको आप देखेंगे, अच्छे से चेक होगा, उसको हम किसी दिन आपको दिखाएंगे कि मेरी स्किन टोन जो है वो वार्म अंडरटोन है तो मेरे ऊपर बहुत अच्छे से 38 सूट करता है, वो कलर भी मेरे ऊपर बहुत अच्छे से सूट करता है। तो सबसे आसान तरीका ये है। अब आता है कि अगर आपकी स्किन टोन वार्म है या न्यूट्रल है तब आपके ऊपर कौन सा ज्वेलरी सूट करती है, सिल्वर या गोल्ड। तो जिनकी स्किन टोन जो है वो वार्म है वो जो है आपको सूट करता है गोल्डन, ठीक है। जिनकी न्यूट्रल है उनके ऊपर सिल्वर और गोल्ड दोनों सूट करता है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि इंडियन पर गोल्डन ही सूट करता है, पर जो है किसी किसी पर वो सिल्वर और गोल्ड दोनों सूट करता है, तो उनकी न्यूट्रल होती है। आप ज़्यादातर देखेंगे किसी किसी के ऊपर देखेंगे कोई ज्वेलरी बहुत खूबसूरत लगती है जबकि वही कलर कॉम्बिनेशन होता है तो उनका अंडर टोन किसी के ऊपर दूसरा कोई पहनता है तो उसके ऊपर नहीं अच्छा लगता है, तो वही अंडर टोन जो होता है वो चेंज होता है जिसके कारण वो खिलकर नहीं आता है। अगर कोई वार्म अंडर टोन का ज्वेलरी सिल्वर गोल्डन पहनता है तो उसके ऊपर बहुत खिलकर आता है, वही अगर कोई कूल अंडरटोन का पहन लेता है तो उसके ऊपर वो गोल्ड नहीं जचता है, ठीक है। क्योंकि जो है कूल वाले कूल की साइड पहने जो सिल्वर जो होता है बहुत चुभता नहीं आँखों में, जबकि गोल्ड जो होता है वो बहुत उसकी वाइब्रेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाईलाइट होता है वो कलर। तो इसलिए जो वार्म है वो गोल्ड जो है वार्म की साइड होता है, सिल्वर जो है वो कूल की साइड होता है, लेकिन जिनका न्यूट्रल है उनके ऊपर दोनों सूट करता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम ज्वेलरी सेलेक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि आपको इससे भी आसानी हो जाएगी कि अब आप ज्वेलरी बहुत अच्छे से सिलेक्ट कर पाएंगे कि जिसमें आप देखेंगी नग रहता है वो थोड़ा सिल्वर साइड में रहता है और जिसमें गोल्डन रहता है गोल्ड नग रहते हैं वो गोल्ड की साइड होते हैं, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर पाएंगे, वो अच्छे सेलेक्ट कर पाएंगे कि गोल्ड को आप वार्म स्किन टोन पर जाएगा और सिल्वर जो है वो कूल अंडरटोन पर जाएगा और जिनका न्यूट्रल होगा वो दोनों के ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कपड़े कैसे सेलेक्ट। कपड़े जो बहुत कलरफुल होते हैं वार्म स्किन टोन के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, आप देखेंगे येलो हो गया, रेड हो गया, ये सारे जो कलर हैं वो बहुत ज़्यादा इंडियन स्किन टोन के ऊपर सूट करते हैं। लेकिन जो बाहर के विदेशी लोग हैं बहुत लाइट कलर पहनते हैं क्योंकि उनकी स्किन टोन जो होती है वो कूल ही होती है, तो उसके हिसाब से वो बहुत लाइट कलर जैसे लाइट सब पिंक कलर पहनते हैं, वाइट कलर पहनते हैं, तो इस तरीके से उनके ऊपर जो है कूल जो है अंडरटोन होता है जिसके ऊपर उनको बहुत लाइट कलर उनको पसंद होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ जिसके थ्रू आपको और अच्छे तरीके से आसान तरीके से मैं समझा पाऊँगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आपने अंडरटोन को बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि काम करते करते जब जैसे जैसे हम लोग को एक्सपीरियंस हो जाता है हम लोग को अब नसें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही किसी की स्किन देख कर ही बता देते हैं कि वार्म अंडरटोन है या कूल अंडरटोन है या न्यूट्रल अंडरटोन है। तो जैसे जैसे आप चीज़ों के साथ काम करने लगती हैं वैसे वैसे आपको चीज़ें पता चलने लगती हैं। बस शुरुआत में आपको दिक्कत होती है, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, पर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको न्यूट्रल में और वार्म में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। बाय द वे आप कभी कभी ये चीज़ें नहीं कर पाते कि न्यूट्रल क्या है वार्म क्या है, पर धीरे धीरे करते करते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर नहीं समझ पाती हैं तो यहाँ की नसें अच्छे से देख लीजिए बहुत अच्छे से। कुछ अगर नसें नहीं दिख रही हैं, बहुत किसी किसी की नहीं दिखती हैं, तो कुछ देर तक उनको मुट्ठी बनवाइए इस तरीके से, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो यहाँ की नसें पूरी एक्टिव हो जाएंगी और बहुत क्लियर दिखने लगेगा। अभी मैंने यहाँ पे वो कर लिया तो शायद यहाँ पे आपको भी ग्रीनेस थोड़ा सा दिख रहा होगा, ग्रीन ऑलिव सा। तो मेरा जो है पूरी तरीके से वार्म अंडरटोन है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ की नसें क्लियर अब दिखने लगी हैं, तब आपको देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्लियर समझ पाएंगी। ज़्यादातर आप देखेंगे इंडियन जो टोन है अंडरटोन है वो वार्म ही अंडरटोन है, कुछ ही लोग न्यूट्रल में हैं और बिल्कुल कम लोग कूल अंडरटोन में हैं। ये होता है जो है कुछ जेनेटिक होता है कि आपका अंडरटोन क्या होगा, कुछ माँ हो वहाँ के वातावरण पर डिपेंड करता है कि कैसा होगा, ज़्यादातर वातावरण के ऊपर ही होता है। तो इंडिया का जो टेम्परेचर है वो आप सभी लोग जानते हैं कि जो है वो कूल भी है वार्म भी है, लेकिन ज़्यादातर वो वार्म की साइड ही है। तो इस वजह से जो इंडियन का अंडरटोन है वो न्यूट्रल और वार्म ही है, कूल बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जो बाहर के लोग हैं विदेशी लोग हैं उनका आप देखेंगे तो उनका कूल अंडरटोन ही है, ठीक है। तो डिपेंड ये करता है कि वहाँ के मौसम, वहाँ का जो है मानसून, उसके हिसाब से आपका अंडरटोन तय होता है, उस हिसाब से होता है। कभी कभी आपका जो है अंडरटोन आपके
पेरेंट्स का क्या है उस हिसाब से भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ना ही बहुत घबराने की चीज़ है कि नहीं मुझे नहीं पता है तो मैं नहीं काम कर पाऊँगी। आप यहाँ की नसें जो हैं उसे बहुत आसान तरीके से आप देख सकती हैं। अगर आप आज से शुरू कर देती हैं कई लोगों की नसें देखना तो शायद आप अंडरटोन के बारे में बहुत अच्छे से समझ जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आप लोगों ने सीखा होगा। आज भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कवर करें, आपको बता दें, ठीक है। और कल है संडे तो कल आप लोगों के जितने भी सवाल हैं उसमें से कुछ सवाल हम उठाएंगे, मतलब जो भी सवाल हैं उसका कुछ जवाब हम देंगे आप लोगों के नाम लेकर। तो आप लोग आज कमेंट कर सकती हैं ताकि मैं जो है कल आप लोगों के जो सवाल हैं उसका जवाब दे सकूं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट।